नमस्कार दोस्तों, आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और 10वीं कक्षा के रिज़ल्ट निकल चुके हैं, 10th CBSE, और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। और एक बार फिर से हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। सबसे बड़ी बात होती है अपनी फैमिलीज़ का नाम रोशन किया है, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको विधाती सिंह से मिलाता हूँ, जो कि जोधामल पब्लिक स्कूल से हैं, और उनकी परसेंटेज इस बार के रिज़ल्ट में आई है 98.2%। बहुत अच्छे उन्होंने मार्क्स स्कोर किए हैं। मैं इनके परिवार को और इनके स्कूल को, इनके टीचर्स को, जो पूरी फैकल्टी है इनके स्कूल की, उन सबको मुबारकबाद दूंगा। विद्याती, रिज़ल्ट आ चुका है, कैसा लगा और क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या पूरी हो पाई वो एक्सपेक्टेशन? आई एम डेफिनेटली फीलिंग वेरी इलेटेड एंड हैप्पी एंड द परसेंटेज इज़ क्वाइट क्लोज टू माई एक्सपेक्टेशन. मैंने भी इतना एक्सपेक्ट किया था और हाँ, आई एम हैप्पी और सेटिस्फाइड विद द मार्क्स व्हिच आई हैव गॉट. 98.2%, कितना हार्डवर्क करना पड़ा और कितनी मेहनत की बात? मेहनत ऑनेस्टली बोलूँ तो इफ़ यू आर डूइंग स्मार्ट वर्क, यू नो, हार्ड वर्क आपको इतना नहीं करना पड़ता है. देर शुड बी अ बैलेंस और कंसिस्टेंट अगर आप रहे हो हमेशा से, देन यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड, यू डोंट नीड टू वर्क मच हार्ड. मतलब आपको, यू नो, पूरे दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत है, बट अगर आप जितना क्लास में चल रहा है उसके साथ अगर आप कंसिस्टेंट हो तो 98.2%, उतना कितना काफ़ी है. हार्डवर्क करना पड़ा और बताती, स्कूल का कितना रोल रहता है, टीचर्स का कितना रोल रहता है, क्योंकि आपके साथ काफ़ी मेहनत करते हैं टीचर्स भी। आपके स्कूल का, टीचर्स का कितना रोल रहा? टीचर्स का तो बहुत रोल रहा है मेरे साथ. टीचर्स की ही डिटर्मिनेशन और सिंसेरिटी और हार्डवर्क की वजह से ही ये स्कोर जो है पॉसिबल है. इट्स नॉट जस्ट अ वन वे थिंग, सभी का रोल रहा है इसमें. मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं इसके लिए और आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक गॉड ऑल माइटी फॉर हिज ब्लेसिंग्स एंड ऑल. और टीचर्स की भी ब्लेसिंग्स रही हैं, सबका सपोर्ट रहा है. सो पूरी मैनेजमेंट को, हमारी जोधामल की फैकल्टी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी. इट्स अ वेरी प्लेजर एंड आई लाइक टू एक्सटेंड माई एक्नॉलेजमेंट टू दैम टू. विद्याती, जो बाकी स्टूडेंट्स भी आपको सुन रहे हो, चाहे आपके स्कूल के हैं या फिर बाकी स्कूल्स के हैं, की टू सक्सेस क्या रहती है? अगर आप बच्चों को थोड़ा सा अगर मैसेज ही देना चाहें, किस तरह से वो अपना पूरे पढ़ाई में प्लानिंग करें। कहीं बच्चे ना एग्ज़ाम्स आते हैं, बड़ा स्ट्रेस ले लेते हैं, एग्ज़ाम्स आ गए जी, मतलब एकदम से किताबें खोलो, पढ़ो ये वो। आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, और सेशन जब से शुरू होता है क्या तब से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो आपके ऊपर स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस लेवल उस तरह से ना हो? हाँ बिल्कुल, जैसे ही सेशन शुरू हो जाता है, एकदम से बहुत सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे स्टार्टिंग से ही, तो आप पे एंड में बहुत बर्डन नहीं पड़ेगा. तो यही एडवाइस है मेरी कि थोड़ा थोड़ा करते रहो, जितना स्कूल में पढ़ाया उतना ही रिवाइज़ करो. और फिर सेल्फ स्टडी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है. और फिर अगर आप सेल्फ स्टडी में अगर आप एफिशिएंट हो उसमें, तो यू डोंट नीड ट्यूशंस. ओके, क्योंकि बहुत मैक्सिमम बच्चे ट्यूशंस भी जाते हैं, जो कि फील करते हैं कि वहाँ से उनको बहुत हेल्प मिलती है. बट इफ़ यू आर कंसिस्टेंट विद योर सेल्फ स्टडीज एंड विद योर क्लासेस, स्कूल क्लासेस, देन यू डोंट नीड ट्यूशन एनी मोर. विद्याती, अब फर्दर 11th 12th स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो आप कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं, क्योंकि स्ट्रीम चुननी होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज रहती है कि आप कौन सी स्ट्रीम लेंगे, क्योंकि इससे आपका जो फर्दर आपका कैरियर है, जो आपका गोल है, वो बड़ा फोकस रहता है, और उसके ऊपर मेन जो जो आपने गोल टारगेट करना होता है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज रहती है। तो अब आगे क्या आपने सोचा है? मैंने तो भी मेडिकल रखने का सोचा है, पीसीबी, और आई एम वांटिंग टू बी अ डॉक्टर. लेट्स सी, और यही मेडिकल फील्ड में ही मैंने आगे सोचा है. और साइंसेज रखी है, हमारी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्कूल की भी और कोचिंग की भी. तो बताती, ऑनलाइन क्लासेस किस तरह की चल रही हैं, क्या पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि इस टाइम 4G भी हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो कुछ दिक्कत बच्चों को कितनी आ रही है? जिनके पास अभी ब्रॉडबैंड नहीं है, जो 2G यूज़ कर रहे हैं, उनको ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉब्लम तो आ रही है. कनेक्शन की प्रॉब्लम है, वीडियो जो टीचर्स जो थ्रू वीडियो पढ़ाते हैं वो वीडियो पॉज हो जाती है, फ्रीज़ हो जाती है. और कभी जो उनकी ऑडियो भी होती है बहुत बार ऑडिबल नहीं होती है, तो कुछ बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आ रही है. बाकी यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है, बट जब तक हम अभी एक कहते हैं ना, वी आर स्टक राइट नाउ इन अ सिचुएशन लाइक दिस, वी कॉन्ट हेल्प, तो दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू. सो अभी तो वी नीड टू, हमको खुद से भी थोड़ा देखना पड़ेगा, और ये तो थोड़ा हार्ड टाइम है, वी हैव टू गो थ्रू इट. विद्याती,
लास्ट एक मैसेज लेने से पहले मैं चाहूँगा कि हॉबीज़ के बारे में जाने थोड़ा आपकी, क्या क्या हॉबीज़ है अभी दाती पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते हैं? आई लाइक रीडिंग इन स्पेयर टाइम, मतलब मैं जब बहुत बोर हो रही होती हूँ तो आई लाइक रीडिंग सम नॉवल और समथिंग। बाकी हॉबीज़ आई यूज़ टू सिंग, आई डोंट सिंग एनी मोर, आई यूज़ टू सिंग। और बाकी आई लव लिसनिंग म्यूज़िक और वॉकिंग एट द टेरेस व्हेनेवर आई फील लाइक इन द इवनिंग। और डांसिंग में भी नो। बाकी आई प्ले बास्केटबॉल इन स्कूल वेरी गुड। इन द स्पोर्ट्स पीरियड एंड स्लीपिंग। स्लीपिंग बहुत अच्छा। अच्छा विदाती, बिल्कुल लास्ट में सबके लिए क्या मैसेज रहेगा? और मैं चाहूँगा कि फैमिली के लिए आप किस तरह से उनका थैंक्स करेंगे जिनकी तरफ से पूरी सपोर्ट आपको मिलती रही पढ़ाई में, और आपके ग्रैंडफादर भी एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, कितना सपोर्ट रहा, ग्रैंडफादर का भी कितना सपोर्ट रहता है पढ़ाई में आपकी? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे किया है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज़ ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट हिमसेल्फ और ही इज़ PhD इन आर्ट्स। और उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट की है SST में जहाँ मैं मेरी सेल्फ स्टडीज़ में, और उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है कि कैसे देखना है। और मुझे मतलब वो सुनते भी थे मुझसे और मुझे सुनाते भी थे, मुझे पढ़ाते भी थे कभी कभी। और मतलब उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है हर चीज़ में। बाकी मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है मुझे, ऑफ कोर्स मेरा उनका सपोर्ट है। उन्होंने कभी मुझे डिस्करेज नहीं होने दिया है, जब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं भी आते थे टेस्ट में या फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, तब भी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मतलब कभी भी मैं डिस्करेज नहीं हुई हूँ, और उसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक माई फैमिली अलॉट। चलिए बहुत अच्छा विदाती, और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से तरक्की करते रहें और मैं इसी तरह से आपका इंटरव्यू लेने आता रहूँ। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन विधाती, जिनके परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 98.2%, और विधाती जोधामल पब्लिक स्कूल से, और मैं विधाती और इनके पूरे स्कूल, इनकी फैमिली, इनके दादाजी जो कि खुद एक प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा जिनकी बच्चे ने इतने अच्छे नंबर लिए हैं, और ये एक मुबारक की बात है। और हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जितने भी बच्चे 10वीं कक्षा में, जिनका आज रिज़ल्ट निकला है CBSE का, कोविड के चलते मैं ज़्यादा बच्चों तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से उन सभी को मुबारकबाद। और अगर जिन बच्चों के कम नंबर भी आए हैं तो विदाती मेरे ख्याल से उनको मायूस नहीं होना चाहिए, उनको आगे स्ट्रगल करनी चाहिए। ये भी मैसेज एक में लेना चाहूँगा, कई बार ना बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, थोड़े से नंबर कम आए तो परेशान हो जाते हैं, और कई बार फैमिली का भी बड़ा रहता है स्ट्रेस कि भाई तूने इतने नंबर लाने हैं तो इतने लेके आना है, तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? मैंने मुझे याद है कि मेरे भी एक टाइम था मैं बहुत डिस्करेज हो चुकी थी, अभी बोर्ड से पहले ही जब मेरे प्री बोर्ड्स हुए थे, प्री बोर्ड सेकेंड हुआ था मैं, उसमें मुझे लगा था कि मैं प्री बोर्ड 1 से बेटर करूँगी, और जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था मुझे मैं रोई भी थी और मुझे बहुत बुरा लगा था। बट उस टाइम पे यू नो एक फैमिली का सपोर्ट होता है, बट जिनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है अपनी बच्चों से, और जो फिर बच्चे जब वो नहीं ला पाते हैं तो फिर उनको अपने पेरेंट्स के, मतलब उनको इस बात का ज़्यादा डर नहीं होता है कि उनके कम आए, या फिर उनको अपने पेरेंट्स का ज़्यादा डर होता है। और इसलिए मैं पेरेंट्स को भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो 10th के मार्क्स हैं, अगर आपका अगर अगर आपके जो बच्चे हैं वो अगर नहीं भी ला पाए हैं तो दे डिज़र्व अ फॉरगिवनेस फॉर दिस टाइम, बिकॉज़ ये मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, थोड़े ज़्यादा मैटर इसके 12th के मार्क्स और आगे जो आपके एंट्रेंस के एग्ज़ाम और जितने भी आपके जॉब एग्ज़ाम्स जो हैं वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जो 10th के एग्ज़ाम है, इट्स जस्ट द फर्स्ट टाइम, हम बोर्ड जो बोर्ड के एग्ज़ाम है ये हमारा फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम पे कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे कर पाते हैं, और जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उनको बिल्कुल उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे लाइफ ख़त्म नहीं होती है, देर इज़ अलॉट मोर टू डू एंड दे नीड टू टेक केयर ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ देम। बहुत अच्छा मैसेज विदाती, थैंक यू सो मच। विदाती की तरफ से बहुत अच्छा मैसेज, और मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स और बच्चे इस मैसेज को ज़रूर अच्छे से सुनें, और नंबर आते जाते रहते हैं बाकी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, जिन बच्चों के कम नंबर भी आए हैं वो नेक्स्ट टाइम और अच्छी तैयारी करें और अच्छे नंबर ले सकते हैं। फिलहाल आप लोग मुझे इजाज़त दें, मैं विधाती सिंह और इनके पूरे परिवार को एक बार फिर से मुबारकबाद दूंगा, इनके स्कूल को, और जिन बच्चों ने 10वीं में अच्छे नंबर लिए हैं और जिनके कम नंबर भी आए हैं उन सबको भी मुबारकबाद और ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद।